प्रदेश में हुए राशन घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में गबन के अनगिनत रिकॉर्ड बन चुके हैं। गरीबों के राशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद क्या अब मुख्यमंत्री खाद्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे या राहुल गांधी स्वयं दाऊजी से कुर्सी खाली करवाएंगे। राशन दुकान में हुए भ्रष्टाचार का विषय विधानसभा में हम सब ने उठाया था और मेरे प्रश्न के जवाब में ही इस बात को चिन्हांकित किया गया कि 65,000 मेट्रिक टन चावल की कमी पाई गई। ये चावल की कमी है, शक्कर भी है उसमें, नमक भी है, बाकी भी सामग्री, मगर उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के बाद सरकार ने जो जांच कराई उसमें हमने 600 करोड़ का आरोप लगाया था। अभी प्रथम दृष्टा इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 250 करोड़ रुपया का गोलमाल हुआ है, अरफा तरफी की गई है। और मुझे लगता है इस संबंध में सरकार को ये देखना चाहिए कि अब जांच के बाद भौतिक सत्यापन के बाद सभी चीज़ स्पष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। और ये भ्रष्टाचार के साबित होने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री जी अब इस सारे विषयों को लेकर क्या फूड मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे या उनका भी इसमें सहयोग और योगदान रहा है तो ये उनको बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जनता के सामने ये बात स्पष्ट रूप से आ चुकी है।